भारतीय जनता पार्टी के सीनेटर और जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन खान ने कश्मीर के विभिन्न जिलों में एसआईए की ओर से छापेमारी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल है तो यह स्वागत योग्य कदम है। उसके खिलाफ भले ही वह इन बातों को व्यक्त करते हों, उन्होंने देवसर विधानसभा क्षेत्र में एक स्थानीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब वह चले गए हैं। जब एक व्यक्ति को बिना किसी कारण के परेशान किया गया था, लेकिन आज सरकार प्रतिबद्ध है, पारदर्शिता और एजेंसियां काम कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। यही कहेंगे कि इलेक्शन कब हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार है। तो आज जो हम यहाँ दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंगें कर रहे हैं, इसका मुद्दा मकसद ये क्लस्टर लेवल की मीटिंग है जिसमें तीन तीन पंचायत हलकों की एक एक मीटिंग है जिसमें हम प्रमुख कार्यकर्ताओं को इनवाइट कर रहे हैं। और ये है कि हम चाहते हैं जिनको हमने इंचार्ज बनाए वो कल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लीड खड़ा करे, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दूसर में भी सीट निकाले ताकि जो हमें सरकार बनानी है जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ कश्मीर से भी बहुत सीटें निकल के आए। एक्सपर्ट्स बैठे है, चाहे एनआईए की बात करें, सीबीआई की बात करें, जो भी एजेंसीज यहाँ पे काम कर रहे हैं, दे नो बेटर। वो आपके घर में रेड डालने नहीं आए, वो आबिद खान के घर में रेड नहीं डालने आए, तो उनको पता है कि किनके घर में रेड डालनी है, जिन्होंने गलती की है। तो यहाँ कोई किसी के, अगर किसी के घर में उन्होंने रेड डाला वो बेगुनाह निकले तो उसको थोड़ी वो बंद रखेंगे। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीटी न्यूज़ 24x7।